तो जय हिंद, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि जेक्सपो एंड मॉकलेट इंट्रांस एग्जामिनेशन 2022। तो हाल ही में जो भी कैंडिडेट जेक्सपो या मॉकलेट में एडमिशन के लिए, यानी कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए, जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप किए थे, वो सब लोग जानते होंगे कि अगले जो 21 मई आने वाला है, उसमें आपका जो इंट्रांस एग्जाम होगा। तो इस वीडियो में सिलेबस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपके साथ की सिलेबस क्या है, साथ ही साथ एग्जाम कब होने वाला है, टाइमिंग क्या है, और सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो होने वाला बहुत ही खास, वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखते रहे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कीजिए, अपने लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के लिए रिलेटेड वीडियो का डेली बेसिस अपडेट आप लोगों को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आपका जो जेक्सपो इंट्रांस एग्जाम होगा वो कितना मार्क्स का होगा, साथ साथ टाइमिंग क्या है। तो पहले तो देख लीजिए जेक्सपो और मॉकलेट दोनों का टाइमिंग जो है, आपका इंट्रांस एग्जाम का वो 2 घंटे का आपको मिल जाएगा। तो 21 मई सैटरडे 2022 को आपका इंट्रांस होगा। तो पहले बात कर लेते हैं जेक्सपो का सिलेबस। तो जेक्सपो का सिलेबस जो रहेगा आपका टोटल 100 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप, कोई भी रॉन्ग आंसर देने पे आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है यहाँ पे। तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जहाँ एमसीक्यू टाइप, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसका गोला करना है, जो राइट आंसर होगा उसमें से कोई आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो यहाँ पे मार्क्स कुछ इस तरह है, आपका जो मैथमेटिक्स से 40 मार्क्स रहेगा, एप्टीट्यूड और इंग्लिश से 10-10 करके मार्क्स रहेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री 20-20 करके मार्क्स, पूरा 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा ये जेक्सपो कैंडिडेट के लिए। और आपका एग्जामिंग का जो टाइम है वो है आपका जो सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक आपको एग्जाम होगा, यानी कि 2 घंटा टाइम मिल रहा है आपको। 15 मिनट पहले आपको जो विजिटिंग कर लेना है, और साथ ही साथ आपको कैरी क्या करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, फोटो, आईडी कार्ड, गवर्नमेंट ऑथराइज कोई भी, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो गया वो आपको चाहिए होगा। और साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो जेक्सपो या मॉकलेट जो आप लोग देंगे, उसमें जो आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन से आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद, उसको आपको लेके जाना है, जो कि ऑफिसर में एग्जाम के ठीक 7 दिन पहले इशू हो जाता है। उसके भी जैसे अपडेट आएंगे इस चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये रहा जेक्सपो के बारे में पूरा डिटेल्स, सिलेबस और टाइमिंग, सारा कुछ डिटेल्स। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉकलेट कैंडिडेट के लिए। तो मॉकलेट का भी सेम है, मैथमेटिक्स से 40 मार्क्स, एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स, इंग्लिश से 10 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के से 20-20 करके मार्क्स आपको रहेगा, जो सारा एग्जाम जो होगा क्लास 10 के बेसिक से आपका जो है एग्जाम होगा। तो ये रहा आपका दोनों का सेम यहाँ पे मार्क्स रहेगा, यहाँ पे भी मॉकलेट का भी और जेक्सपो में भी कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा दोनों के लिए, और एमसीक्यू टाइप दोनों में सेम रहेगा यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स। तो आप लोग ऐसे एग्जाम अगर आपका अच्छा होता है, रैंक अच्छा आता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी चांस आपको मिल सकता है। तो मेरे पहले इस वीडियो है जहाँ पे मैंने दिखाया है कि सिप मैट्रिक्स की तरफ से हर एक साल कितना कट ऑफ जाता है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज चांस पाने के लिए आपको कितना रैंक आना जरूरी है, उसके बारे में फुल डिटेल्स में वीडियो है मेरे चैनल होम पेज में, जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप अंदाजा लग सके कि आप लोगों को कितना रैंक आने पर गवर्नमेंट कॉलेज आपका मनपसंद ट्रेड आपको मिल सकता है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि अगर आपका एग्जाम जो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो एग्जाम अगर आपका हो जाता है, उसके बाद आपका जो है आपका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में आपका रैंक आता है, रैंक में आपका रैंक कार्ड डाउनलोड करता है, उसके बाद आपका जो है फील्ड चॉइस होता है दोस्तों। फील्ड चॉइस करने के बाद आपका जो है काउंसिलिंग होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो ये प्रोसेस है सारा कुछ डिटेल जो कि है ऑनलाइन में होगा। तो आई होप इस वीडियो में जितना भी इन्फॉर्मेशन था आपके साथ शेयर किया, जेक्सपो एंड मॉकलेट इंट्रांस एग्जाम 2022 सिलेबस जो भी था उसके रिगार्डिंग आपके साथ मैंने शेयर किया, जो भी आपका सिलेबस था। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा या फिर मुझसे कुछ छूट जाएगा, अगर आपके पास और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करूंगा। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और इंस्टाग्राम में अभी मुझे अगर आप लोग अभी तक फॉलो नहीं किए तो जरूर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। और ज्यादा वीडियो देखने के लिए और भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, या फिर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का डेली अपडेट मिल जाता है। ऐसे मुझे सपोर्ट कीजिएगा, जल्द और लेटेस्ट वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।